मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम, कोरोना के कहर से बेखौफ जनता। जिले की सबसे बड़ी किसानों की अनाज मंडी महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी में आज अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया। एक तरफ जहां इस महामारी में लोग सेवा भाव से तन मन धन से मंडी में आने वाले गरीब मजदूर व किसानों के लिए भोजन नाश्ते की व्यवस्था में सुबह से सेवा करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहर गांव से आने वाले किसानों की गेहूं को खेतों से मंडी तक लाकर बेचने में उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कितनी ही बार उनके अनाज मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, कितनी ही बार मंडी प्रशासन की खामियाजों को किसानों को भुगतना पड़ता है। सर, हम यहाँ गेहूँ बेचने आए हैं सर, गांव-गांव से दूर दूर से 40 किलोमीटर से, और हमने 17 तारीख का टोकन दिया हमारे को, और ये बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद में गेहूँ तोलेंगे आपके गेहूँ, और हम परेशान हो रहे हैं 3 दिन से। ये गांव का रिजेक्ट बता रहे हैं, पुराने गांव नए गांव है हमारे, एक भी गांव में कोई खराबी नहीं सर, आप देख लो भले, और ये इनके गेहूँ तोल रहे हैं सर, दलालों के गेहूँ तोल रहे हैं यहाँ पर, उनके सुने गेहूँ भी पास हो रहे हैं। एक मिनट आपके टोकन तारीख को लेके ये टोकन 17 तारीख ने मंडी समिति से बात करो, आप 17 को बुलाओ, हेड साहब से बात, 12 तारीख में पास है जो मार तो जिम्मा आलन ले लिया, 4 बार फस गयो मैं, 12 तारीख को लेकर उसके 25 में बोरी ले रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद चल रही है, सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि अपना साफ सुथरा नया इस साल का गेहूं लेके आएं, और भीगा हुआ पुराना या जिसके पास भी सुला हुआ गेहूं है वो नहीं लेके आएं, और नया गेहूं लेके आएं, क्योंकि यहाँ पे मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अगर वो कोविड की सिचुएशन में भी अगर जैसे अपना पुराना गेहूँ लेके आते हैं या जो भी है, तो उसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है, इसलिए सभी से यही अनुरोध है कि निर्धारित टोकन दिनांक को और अपना नया और साफ सुथरा छना हुआ बढ़िया गेहूं लेके आएं और समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीद का लाभ उठाएं। आज सुबह भी एक बार की तो जिला कलेक्टर श्री प्रसाद एम नकाता ने मंडी का साइकिल से दौरा किया, तो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मंडी प्रशासन को वहां आने वाले किसानों व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए, परंतु प्रशासन के हटते ही वहाँ अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया। मंडी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई, वहां आने वाले व्यापारी आपस में लड़ते झगड़ते दिखे, मंडी गेट पर कुछ समय के लिए तो जाम लग गया। मीडिया के पत्रकारों के दखल के बाद वहां पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल कर यातायात दुरुस्त करवाया, परंतु मंडी प्रशासन के आला अधिकारी मीडिया से पछते नजर आए। आखिर इन अव्यवस्थाओं को देख कर तो यही लगता है कि कोरोना के डर से अभी भी जनता बेखौफ है। देखिए भिलवाड़ा से 9/12 समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की ये रिपोर्ट। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह पे सर्वे का काम चल रहा है, साथ ही मेडिसिन की किट भी दी जा रही है, और साथ ही उपखंड मुख्यालय की CSC पे भी ऑक्सीजन युक्त बेड रखे गए हैं, जहाँ पे लगभग 170 मरीजों का पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में इलाज चल रहा है। अब तक 1000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज वहाँ पे किया गया है, उनमें से लगभग 170 के करीब मरीज अभी भर्ती हैं, और कुछ मरीजों को जिला मुख्यालय के अस्पताल में रेफर भी किया गया है। अभी हम सभी को जितने भी ऐसे स्थान जैसे सब्जी मंडी है या भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचना चाहिए, और जो सब्जी मंडी का सुबह दौरा भी किया था, अननेसेसरी भीड़ वहाँ पे नहीं हो, ट्रैफिक जाम वहाँ पे नहीं हो, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल रिटेलर्स वहाँ से सब्जी खरीदे, व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं वहाँ पे सब्जी खरीदने नहीं आए, ये निर्देश हमने मंडी सचिव और उनके अधिकारी को भी दिया। साथ ही हम अब थोड़ा सा उस व्यवस्था को लगातार पुख्ता कर रहे हैं, और पहले से सुधार है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो जो निरीक्षण के लिए उपखंड अधिकारी और डिप्टी SP इत्यादि पुलिस अधिकारियों को भी हम रेगुलर वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे।